अयोध्या रेप केस में आरोपी एसपी नेता पर बड़ी कार्रवाई। मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। बेकरी सील करने के बाद लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। आरोपी मोहित खान के मददगारों की मुश्किल बड़ी। अयोध्या में नाबालिग से रेप केस में पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोप में समाजवादी पार्टी के दो नेताओं समेत 3 FIR। दिल्ली के खैबर पास में भी कभी भी चल सकता है बुलडोजर। 32 एकड़ जमीन खाली करवाने की तैयारी। 300 परिवारों पर मंडराया बेघर होने का खतरा। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में एक महीने में एक नाबालिग सहित 14 लोगों की मौत के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली सरकार पर लगाया लापरवाही गंभीर आरोप। एलजी ने भी मुख्य सचिव को दिया है जांच करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड कुदरत के कहर के बाद मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल में अभी भी 45 लोग लापता। उत्तराखंड में केदार रूट से अभी तक 7,000 लोगों को बाहर निकाला गया। कोलकाता में भारी बारिश से हालात बिगड़े। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर भरा पानी। विमानों के पहिए पानी में डूबे। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का कहर। झारखंड की राजधानी रांची में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में 35 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश बिहार और बंगाल में भी सैलाब से बेहाल हैं लोग। ईरान और इसराइल के बीच जंग की बड़ी आशंका। इसराइल ने कहा है कि किसी भी हमले के लिए तैयार। भारत ने इसराइल के तेल अवीव जाने वाली उड़ानों पर रोक लगाई। पेरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक से एक कदम दूर है मनु भाकर। आज 25 मीटर शूटिंग का खेल रही है फाइनल। अब तक 2 ब्रॉन्ज अपने नाम कर चुकी है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच टाई। श्रीलंका के 231 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। 230 रन पर सिमटी। श्रीलंका के बेलाल्गे बने प्लेयर ऑफ द मैच। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा।